अयोध्या भूमि घोटाले मामले पर दोषियों को सजा दिलाने कांग्रेसी पहुंचे राम दरबार। लक्ष्मण बाग स्थित भगवान राम जानकी के चरणों में याचना पत्र सौंप दोषियों को सजा देने की मांग के साथ ही राहुल गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर संगीतमय भजन गाया। हम आपको बता दें कि आज कांग्रेस द्वारा लक्ष्मण बाग में प्रभु के चरणों में याचना पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि प्रभु आपके ज्येष्ठ भ्राता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से भारत में सत्ता पर काबिज हुई। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जन्मभूमि अयोध्या नगरी में भव्य श्री राम मंदिर बनाने ट्रस्ट के माध्यम से जो भूमि खरीदी है उसमें मंदिर से जुड़े लोगों ने सत्ता दल के साथ व्यापक स्तर पर आर्थिक भ्रष्टाचार करते हुए 2 करोड़ की भूमि को 18 करोड़ 50 लाख में बिक्री कर 10 मिनट के अंदर हेराफेरी की गई। उसमें प्रभु श्री राम जी के आदर्श एवं राम राज्य की परिकल्पना की हत्या के साथ करोड़ों भक्तों की आस्था की भी हत्या की गई है, जिस पर आप संज्ञान लेते हुए दोषियों को दंड देने के साथ ही केंद्र की मोदी व यूपी की योगी सरकार को सद्बुद्धि देते हुए श्री राम मंदिर की भूमि में जो हेराफेरी की गई है उसकी निष्पक्ष जाँच कराने का आदेश देने की कृपा करें। हम आपको बता दें कि इस संबंध में जिला कांग्रेस अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ला ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जन्मभूमि अयोध्या नगरी में भव्य श्री राम मंदिर बनाने ट्रस्ट के माध्यम से जो भूमि खरीदी है उसमें मंदिर से जुड़े लोगों ने व्यापक स्तर पर आर्थिक भ्रष्टाचार किया है। वहीं इस दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह एवं जिला ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने याचना पत्र सौंपते हुए कहा सौंपा गया, इसका क्या उद्देश्य है, किस विषय पे ज्ञापन है? ज्ञापन इसलिए सौंपा गया है कि भगवान राम की जन्मस्थली में जो राम मंदिर बन रहा है आप सबने सुना होगा कि वही जमीन का एक टुकड़ा उसी जमीन 125 करोड़ हमारे देशवासी 130 करोड़ अब विदेश में भी जो हमारे यहाँ के लोग हैं भगवान राम सबके मान्य हैं, सबने अपने अंतर्मन से एक बार नहीं दो बार राम मंदिर के लिए चंदा दिया। आपको ध्यान होगा जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं 88-89 में भी बहुत सारा चंदा बहुत सारी ईंटें इकट्ठा और आज की भी तारीख में बहुत सारा चंदा इकट्ठा हुआ और उसका जो बंदरवाड़ हो रहा वहाँ के जो न्यास के लोग हैं वहाँ के जो अध्यक्ष हैं तो जो तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो भगवान से निवेदन है कि कम से कम आप अपनी आँख खोले और भ्रष्टाचारियों को सजा दें। मोदी और योगी को भगवान सद्बुद्धि दी, जो चंदा गया है जनता जनार्दन का वो कायदे से उपयोग हो भगवान राम का मंदिर बने। यहाँ भी जो लक्ष्मण बाग संस्थान है यहाँ की भी जमीन बहुत सारी है हमारे देश यहाँ है सतना में आपने देखा होगा रीवा जिला में भी कई जगह यहाँ की भी जमीन खुर्द होने की स्थिति में है तो हमारा ये सब निवेदन है इसीलिए आज हम भगवान को दिए हैं ज्ञापन या DM कलेक्टर को नहीं दिए कि आप अपनी आँख खोलें और जिन लोगों की जो भ्रष्टाचारियों की वो सजा दें और हमारे जो सरकार के लोग बैठे हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उनको सबको सद्बुद्धि दें कि जनता का हित के हित में काम करें। ऐसा नहीं है कि ज्ञापन देने के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस को जाना चाहिए, अपील करनी चाहिए इसके लेकर के भ्रष्टाचार? नहीं, जाना चाहिए। देखिए आगे क्या निर्णय लेते हैं हमारे हाईकमान के लोग उस मामले में, लेकिन अब जो भी निर्णय होगा ऊपर होगा। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और बड़े शालीनता से मनाने का है, बड़े शालीनता से वो मना रहे हैं, हम लोगों को भी मनाने का है जन्मदिन। हम लोग उनके जन्मदिन में यहाँ आए हैं, भगवान का भजन करेंगे, उसके बाद मास्क सैनिटाइजर बांटेंगे। कोविड में हमारे जो परिजन हम लोगों के बीच से उठ गए हैं उनके परिवार के बीच में भी जाएंगे, उन्हें सांत्वना देंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले।